अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान, एक और नए व्लॉग के साथ वेलकम करता हूँ। अभी सीन ये है कि हम लोग निकले थे कराची से, और कराची से हमने प्लान बनाया था कि प्लान बहुत इंस्टेंट था, लेकिन प्लान बन गया आखिरकार। वो ये कि हम लोग नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करेंगे, और पहले तो इरादा ये था कि ग्रीन लाइन में जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ग्रीन लाइन से जो है वो टिकट मिला नहीं, क्योंकि टिकट्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। तो हमने फिर ये सोचा कि हम बस से ट्रैवल करते हैं। तो कल हम लोग, आज संडे है, कल हम लोग निकले थे कराची से वाया फैसल मूवर्स दोपहर के करीब, और यहाँ पे सुबह हम पहुँच गए, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया है, और अभी हम निकले हैं ऐसे ही थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ें जो एक्सप्लोर करने के लिए। मैं जो है वो बीच बीच में चीज़ें दिखाता भी रहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम करीब के एक स्पॉट पे आ गए, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ जाएगी। अगर नहीं आई है तो फिर मैं बता देता हूँ कि फैसल मस्जिद में हूँ मैं, और फैसल मस्जिद का ये जो साइड है, बैक साइड है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह का एरिया इसका पीछे, और ये वाला एरिया जो है ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये मागला हिल्स के साथ लगता हुआ है, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी रश है आज के दिन, संडे है ऑब्वियसली। अच्छा है, पीछे वाली जो साइड है यहाँ वाली, इधर इतना रश नहीं होता, तो अगर आप कभी भी इस तरह के रश के दिन में आएँ तो कोशिश करें कि बैक साइड के ऊपर आ जाएं, और बैक साइड के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी वगैरह भी है, बैठने का भी है, तो आप यहाँ पे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बैकग्राउंड में, फैसल मस्जिद आपको नज़र आ जाएगी। तो फैसल मस्जिद आ गए हैं। अच्छा, आगे का प्लान मैं बता देता हूँ, वो ये है कि आज तो हम इस्लामाबाद में ही स्टे कर रहे हैं, और फिर स्टे करने के बाद इंशाल्लाह जो है हम यहाँ से निकलेंगे सुबह, इंशाल्लाह इरादा है निकलने का यहाँ से कश्मीर की तरफ, और कश्मीर के जो है देखेंगे कितने डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली मेरा ये ट्रिप है, तो मैं कोशिश करेंगे हम लोग के जो मेजर उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और थोड़े से रोड्स वगैरह सही हैं, वहाँ पे जाएं हम। तो कुछ चीज़ें आइटनरी बनाई है, प्लान किया है चीज़ों को, इंशाल्लाह वेरी वेरी सून मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और ये है अभी तक की अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं एक डिफरेंट जगह पर। अस्सलाम वालेकुम, तो इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 9:15, और हम लोग निकल रहे हैं इस्लामाबाद से किरान की तरफ। किरान के आते आते बीच में दो पॉइंट्स मिलेंगे हमें, एक तो ये है कि एक है हमारा नीलम ज्वेलम जो स्पिलवे बनाया हुआ है, वहाँ रुकेंगे। उसके अलावा हम लोग बीच में एक वाटरफॉल है, वहाँ पे भी रुकने का इरादा है इंशाल्लाह। तो दिखाता रहता हूँ बीच में सीन्स क्या हैं, और अब निकलते हैं यहाँ से। तकरीबन किरान पहुँचते पहुँचते शाम तो हो जाएगी, फिर वहाँ मिलके बाकी की अपडेट देता हूँ। तो भाई, गाड़ी का हम लोग अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। इस्लामाबाद में वेदर बहुत जो है वो ख़तरनाक है, तकरीबन कोई 35 डिग्रीज है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, ड्राइनेस है, तो इस वजह से फील भी बहुत हो रहा है। अब देखते हैं आगे, जो हम जितना आगे कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे क्या टेम्परेचर होता है। सुना तो ये है कि वहाँ पे बेहतर है, काफ़ी होना भी चाहिए, और इनके सीज़न है तो डेफिनेटली जो है वो गर्मी में इतना कम तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से तो डिफरेंस होगा। तो लेट्स सी आगे क्या सूरत हाल होगी।
तो अभी देखिए अपडेट ये कि 2 घंटे हो गए हमें निकले हुए और मरी हमने क्रॉस कर लिया है। थोड़ा सा एक गाड़ी में इशू था तो वो चेक कर रहे हैं। लेट्स सी आगे ये लगेगी तकरीबन 3 घंटे, 1-1.5 घंटे बाद एक और स्टॉप है। बाकी ये कि व्यूज़ पीछे आप देख रहे हैं, थोड़े बहुत अच्छे व्यूज़ आने शुरू हो गए। और अभी जैसे हम लोग ऊपर आए, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर पूरा रास्ता है, तो काफ़ी जो है वो मौसम बेहतर होना शुरू हो गया। आगे और भी मौसम बेहतर हो जाएगा होपफुली। तो मिलते हैं अगले पॉइंट पर। इस पॉइंट को LOC व्यू पॉइंट कहा जाता है। यहाँ एक अदर टक शॉप है और बैठने का कुछ इंतज़ाम किया हुआ है। सामने की साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है और ये भी माशाल्लाह उतना ही खूबसूरत है जितना हमारा कश्मीर। कैसे हैं आप लोग? रात में कैमरे की बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से जो है बात नहीं हो सकी। हम लोग रात में लेट पहुंचे काफ़ी, और हम लोग 9 बजे तकरीबन पहुंचे, सो गए थे, रेस्ट वगैरह कर रहे थे, बहुत लेट हो गए थे गाड़ी ख़राब होने की वजह से। अब ये है कि होटल में हूँ मैं अपने इस वक्त, और होटल से हम लोग निकल रहे हैं 1.5 घंटे में, और शारदा की तरफ आज निकलने का इरादा है। इसके अलावा जो हमारा होटल है, इसका व्यू बहुत अच्छा है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी है कि आगे शारदा के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। खूबसूरत हैं बहुत। हुंजा और स्कर्दू जो मैंने किया है, उसकी बनिस्बत यहाँ के जो पहाड़ है वो काफ़ी ग्रीन है,
और बहुत खूबसूरत हैं, और उसकी वजह से थोड़ी ये है कि जून जुलाई में भी उस लेवल की गर्मी नहीं है जिस लेवल की यूजुअली दूसरे सिटीज़ में होती है। हम लोग ने फ़ैन चलाया नहीं रात में, रात में काफ़ी अच्छा जो है वो पानी का शोर भी था, यहाँ पे रिवर गुजर है साथ में, और बड़ा एक अच्छा सुकून वाला माहौल है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ अपने बैग पे, तो ये जो है ना व्यू है होटल की विंडो से, विंडो नहीं है एक तरह से बैल्कनी है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ भी हूँ, और ये पीछे जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंडिया वाला हिस्सा है सारा, और ये जो है वो हमारा वाला हिस्सा है, ये जो मेरी बैक साइड पे, ये भी बहुत खूबसूरत है, और ये जो है यहाँ पे ये वाला रोड है पूरा जो होटल के साथ गुजर रहा है, और ये है अभी तक की अपडेट। आगे ये कि हम लोग अभी निकलेंगे तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। होपफुली कल की तरह आज का दिन जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा तो हम ज़्यादा जगहें कवर कर लेंगे। कल भी ऑल दो कि हमने काफ़ी जगहें कवर कर ली हैं, अब आगे देखते हैं कि और कौन से खूबसूरत जो है वो मंज़र आने वाले हैं। यहाँ पे सिग्नल नहीं है बिल्कुल भी, एसकॉम चल रही है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा किसी नेटवर्क के सिग्नल नहीं है। आगे सिग्नल मिलेंगे तो फिर इंशाल्लाह कॉल वॉल भी करनी है एक दो लोगों से, दो दिन से कॉन्टैक्ट में नहीं है। बाकी ये कि अपडेट मैं आगे देता हूँ। See you then. तो अभी तक की अपडेट ये है कि होटल से निकल के हम लोग अपर नीलम की तरफ आएँ, करीब ही था, 2 किलोमीटर था, तो हमने सोचा थोड़े ऊपर के व्यूज़ भी ले लें, तो ऊपर आएँ, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, व्यूज़ चेक करें। बाकी के काफ़ी रिजॉर्ट्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं पहले से, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक जो है वो रिजॉर्ट है, और बाकी है कि यहाँ पे जो प्राइवेट हैं वो बन रहे हैं अभी, काफ़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। तो अगर व्यू आपको देखना है नीचे रिवर का और ये माउंटेंस का एलओसी वाला, तो आप यहाँ ऊपर आके अगर नाइट स्टे करें तो सुबह का व्यू यहाँ का बहुत ज़बरदस्त होगा।
वेलकम बैक नाजरीन और ख़वातीन हज़रात। तो अभी का सीन ये है कि हम हैं शारदा में, और शारदा में जो हम पहुँचे थे वो पहुँचे थे 2 बजे। इस वक्त बज रहा है तकरीबन कोई 5:15। अभी हम आसपास के थोड़े बहुत स्पॉट्स देखेंगे। बीच में हम शारदा आते हुए एक जगह रुके थे, वो मैं आपको जो है क्लिप्स दिखा देता हूँ। उसके अलावा यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हम लोग बीच में एक पॉइंट पे रुककर गाड़ी से अपनी उतर के जो 4x4 होती है उसके अंदर आएँ, और वो रास्ता 4x4 ही कर सकती है और नहीं कर सकती गाड़ी। तो या तो आपके पास प्राइवेट आपकी 4x4 हो, या फिर आप जो है वो रेंट कर सकते हैं वहाँ पर। ये इस वक्त जो है मेरे पीछे अगर आप देखें तो मेरी विंडो से बहुत ही क्रेज़ी जो है व्यूज़ नज़र आते हैं, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख सकें तो ये चेक करें। तो व्यूज़ का सीन तो बहुत ऑन है, बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, और इंशाल्लाह आगे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। अभी ये है कि हम लोग निकल रहे हैं, आसपास छोटे मोटे स्पॉट्स हैं, थोड़ी ट्रैकिंग है, वो सब करते हैं, और मैं आसपास की भी जगह दिखाता हूँ आपको, बाहर का व्यूज़ दिखाता हूँ। बाहर के जो मेन एंट्रेंस का व्यू है, ये साइड व्यू है, जो मेन व्यू है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, इन्जॉय करिए। तो आज के दिन हमारा प्लान है शारदा में ही एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक को कवर करना, और यहाँ पे अरंगकेल से पहले हम ट्रैकिंग करेंगे जो कि थोड़ी आसान है अरंगकेल से, और यहाँ पे जो भी शारदा आए आई वुड रिकमेंड कि वो ये ट्रैक ज़रूर करे। इसका जो व्यू है वो बहुत ही दीदारज़ेब है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम शारदा, और ऑलमोस्ट गुड बाय फ्रॉम शारदा भी, क्योंकि आज जो है शारदा से हम लोग निकल रहे हैं केल की तरफ। केल में ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे वहाँ से ताओबट की तरफ दोपहर तक। तो लेट्स सी कि आगे का सफ़र कैसे रहता है। यहाँ से जीप है हमारे साथ, जीप में हम लोग ट्रैवल करेंगे आगे। और अभी ये है कि कल हम लोग केल में ही रुकेंगे, एक छोटा बैकपैक हमने ले लिया है, और सामान हमारा ज़्यादा जो सामान है वो यहीं रहेगा। फिर हम परसों जो है वो वहाँ पे जो अरंगकेल नहीं सॉरी ताओबट में स्टे करके वहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर के, और फिर हम लोग कल जो है वापस जो है शारदा आएंगे, और फिर शारदा से आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक की अपडेट ये है, मेरे रूम की विंडो से बहुत ही खूबसूरत एक व्यू नज़र आता है, मैंने कल भी जब आप लोगों को दिखाया था। तो ये अपडेट है, इंशाल्लाह आगे बहुत खूबसूरत सीनरीज होंगी तो मैं आपको दिखाता रहूँगा, और ट्रैकिंग की भी अपडेट देता रहूँगा। सी यू देन।
रास्ते में छोटे बड़े वाटरफॉल्स सफर का मजा और दुबाला कर देते हैं। अरंकेल की ट्रैकिंग बहुत ही स्टीप है और मुश्किल भी है, लेकिन यहाँ पे पोर्टर होते हैं जो आपका सामान और बच्चों वगैरह को आसानी से रास्ता तय करवा देते हैं। तो जब भी आप अरंकेल की ट्रैकिंग करें तो इस बात का ख्याल रखें। तो फाइनली अरंकेल जो है वो हो गया है और मुझे तो भरोसा नहीं है कि मैं कर सकता था, बट हो गया। बहुत स्टीप था, फैमिली के साथ बहुत इशू है आना, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। व्यूज़ चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग आ गए थे काफ़ी देर से, क्योंकि बीच में थोड़ा ट्रैक बन रहा था तो हम लोग को पैदल आना पड़ा। अभी हम लोग निकले हैं, ताबट में ही हैं, नाइट यहीं स्टे किया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ताबट वाला, बीच में एक और पॉइंट है वो भी देखते पाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे वापसी शारजा की तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे थोड़े बहुत रास्ते के सीन, और फिर ताबट बाला पहुंच गए।
भाई हम पहुंच गए हैं ताऊबट बाला। अब ताऊबट बाला जो है ये ताऊबट के बिल्कुल आखिर में एक गांव है छोटा सा। यहाँ पे कोई रिजॉर्ट नहीं है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए बहुत खूबसूरत है। और रास्ते में बहुत सीनिक नज़ारे थे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और अगर आप लोग यहाँ पे आना भी चाह रहे हैं तो कैंपिंग कर सकते हैं अपनी फैसिलिटीज़ के साथ। यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है कहीं, तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, बाइक तक वहाँ से नहीं आ सकती। हाँ, घोड़े मुझे कुछ दिखे थे रास्ते में, वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो है ना बहुत ही खूबसूरत जगह है, और अब मैं आपको चेक कराता हूँ यहाँ के व्यूज़ को, चेक करें। यूँ तो सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन अगर जगह इतनी खूबसूरत हो तो वो सफ़र भी यादगार बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात एंड गुड मॉर्निंग। हम लोग निकले थे कल तकरीबन कोई 5 घंटे की ऑफ ड्राइव करके पहुंच गए हैं शारदा वापस। हम लोग निकले थे ताऊबट से, तो बीच में केल आता है, एक दो जगह रुके, लेकिन बहुत शॉर्ट स्टे था, 10-15 मिनट का स्टे करके हम रुके और हम वापस आ गए शारदा में। अब शारदा से प्लान ये है कि हम लोग इस्लामाबाद निकलेंगे एंड इस्लामाबाद से वापस कराची। एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ वो ये है कि जो शारदा है वहाँ तक के रोड बिल्कुल ठीक है। शारदा से आगे केल या अगर आगे किसी को भी ताऊबट जाना है, और हम तो ताऊबट से भी आगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर गए थे, एक गाँव है बहुत छोटा सा, वो सब ऑफ ड्राइव है। तो ऑफ रोड की वजह से अगर आपके साथ कोई जो है वो बड़ी उम्र के हैं या बच्चे हैं तो कोशिश करें कि ये ट्रिप अभी प्लान ना करें। आने वाले कुछ टाइम में वो रोड बन जाएगा। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उन लोगों ने जो यहाँ के रहने वाले, उन्होंने कहा है कि चीज़ें जो है वो कुछ टाइम में बेहतर हो जाएंगी, 1 साल में 2 साल में। लेकिन ये है कि जो लोग ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं, लड़के लड़के हैं, इवन के फैमिलीज़ भी, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ़ है। इफ़ यू थिंक कि आप मैनेज कर सकते हैं, आपके पास प्राइवेट गाड़ी है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप ज़रूर आएँ और ताऊबट ज़रूर जाएँ। वो बहुत खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू अदर जो प्लेसेस हैं यहाँ पे कश्मीर में। ताऊबट में भी, ताऊबट बाला जो है वो आखिर में आता है, बिल्कुल एंड में, और बहुत छोटा सा गांव है।
और एक डेढ़ घंटे की वॉक करके वहाँ पे आपको जाना पड़ता है मेन जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ से। लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, वहाँ तक जाएँ। वहाँ पे ये कि फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये कि आप अपने कैंपिंग वैम्पिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो हमारा सफ़र है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और होपफुली बहुत जल्द जो है वो नए ट्रिप के साथ हाज़िर होंगे। और इसी के साथ आप सब लोगों को कहता हूँ खुदा हाफिज़, और आप लोगों को दिखाता हूँ अपने रूम से व्यू, चेक करें। मिलते हैं अगले सफ़रनामे में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस सफ़रनामे को अपने फैमिली और फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।